आज टॉकिंग पेंटिंग सीरीज में हम आपको पेंटिंग डेमोंस्ट्रेशन के साथ साथ वाराणसी, जिसे काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है, के संबंध में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। यह भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर बसा एक शहर है। राज्य की राजधानी लखनऊ से 320 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और इलाहाबाद से 121 किलोमीटर पूर्व में भारत का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। यह हिंदू और जैन धर्म के 7 पवित्र शहरों में सबसे पवित्र माना जाता है और इस शहर ने बौद्ध धर्म और रविदासिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16वीं शताब्दी में वाराणसी ने मुगल सम्राट अकबर के अधीन एक सांस्कृतिक प्रवर्तन हुआ, जिसने शहर को संरक्षण दिया और शिव और विष्णु को समर्पित 2 बड़े मंदिर बनवाए। आधुनिक वाराणसी के रूप में माना जाने वाला अधिकांश हिस्सा 18वीं शताब्दी के दौरान मराठा और भूमिहार ब्राह्मण राजाओं द्वारा बनाया गया था। बनारस साम्राज्य को मुगलों द्वारा 1737 में आधिकारिक दर्जा दिया गया। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता तक एक राजवंश शासित क्षेत्र के रूप में जारी रहा। वाराणसी कई हजार वर्षों से उत्तर भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है और गंगा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह शहर अपने कई घाटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट आदि इनमें से एक है। रामनगर किला गंगा के पूर्वी तट के पास 18वीं शताब्दी में मुगल शैली की वास्तुकला में बनाया गया था, जिसमें नक्काशीदार बालकनी, खुले आंगन और सुंदर मंडप है। वाराणसी में अनुमानित 23,000 मंदिरों में शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर शामिल है। काशी नरेश, काशी के महाराजा, वाराणसी के प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षक हैं और सभी धार्मिक समारोहों का एक अनिवार्य हिस्सा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना शिव ने की थी, जो ब्रह्मा और विष्णु के साथ 3 प्रमुख देवताओं में से एक थे। ब्रह्मा और शिव के बीच एक लड़ाई के दौरान शिव ने ब्रह्मा के 5 सिरों में से एक को फाड़ दिया था और जब वे इस राज्य के वाराणसी शहर में आए तो ब्रह्मा का लटका हुआ सिर शिव के हाथ से गिर गया और जमीन में गायब हो गया। इसलिए वाराणसी को एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने शिव की तलाश में शहर का दौरा किया था, ताकि उनके भाईचारे और ब्राह्मण हत्या के पाप का प्रायश्चित किया जा सके, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए थे। इसे 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जो मोक्ष प्रदान कर सकता है। अयोध्या, मथुरा,
हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती और द्वारका सात नगर हैं, जिन्हें मुक्तिदाता कहा जाता है। काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के शासक विचित्रवीर से हुआ था और उन्होंने बाद में पांडु और धृतराष्ट्र को जन्म दिया। पांडु के पुत्र भीम ने काशी की राजकुमारी वलंधरा से शादी की और उनके पुत्र सर्वजा का जन्म हुआ, जिसने बाद में काशी पर शासन किया। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन ने भी काशी राजकुमारी भानुमती से विवाह किया, जिसने बाद में उन्होंने एक पुत्र लक्ष्मण कुमार और एक पुत्री लक्ष्मण को जन्म दिया। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के कारण काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। काशी की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं काशी के खूबसूरत घाट। इन्हीं घाटों में से एक है चेत सिंह घाट, जिसे पेंटिंग में दर्शाया जा रहा है। इस वाटर कलर पेंटिंग में वॉश इफेक्ट का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। आशा है आपको पेंटिंग के साथ काशी के बारे में दी गई जानकारी भी पसंद आई होगी।